थैंक्स, मैं हूं शुभम। दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोगोनसी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास की ड्रग के बारे में, जो कि हमारी एंटी मलेरियल क्लास की ड्रग सिंकोना के बारे में। शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर हो जिसमें से सिंकोना के बारे में ना पूछा गया हो। या तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे केवल 4 स्टेप्स के बारे में, जिसमें से आपको साइनोनिम्स, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट और इसके यूज के बारे में लिखना होगा, या तो ये क्वेश्चन दूसरी तरह से आ सकता है जिसमें से आपको उसके माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स को डिस्कस करना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे हर हाल में आपके एग्जाम में पूछा ही जाना है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसके 4 स्टेप के बारे में। अगले लेक्चर में हम इसके माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर हम मेनली फोकस करेंगे इसके 4 स्टेप्स और मलेरिया डिजीज क्या होती है, किसके द्वारा कॉज की जाती है, इसके बारे में भी यहां पर हम शॉर्ट में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर मलेरिया क्या होती है। ठीक है, तो मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज है जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा कॉज की जाती है, जिसमें से हमारे हैं प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओबेन एंड प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है, तो ये 4 पैरासाइट होते हैं जिनके द्वारा मलेरिया कॉज की जाती है। ठीक है, और जनरली ये स्प्रेड की जाती है बाय द मॉस्किटो, और मॉस्किटो में भी फीमेल एनोफिलीज जो होती है उसके द्वारा ही जनरली ये स्प्रेड की जाती है। ठीक है, तो ये था शॉर्ट में मलेरिया के ऊपर। अब हम बात करते हैं इसको ट्रीट करने वाली ड्रग्स, एंटी मलेरियल ड्रग सिंकोना के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके साइनोनिम्स के बारे में। तो इसका साइनोनिम्स होता है पेरुवियन बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, व्हिच वन इज द साइनोनिम्स ऑफ सिंकोना। तो ये हो गया इसके साइनोनिम्स के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं इसके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में। ठीक है, तो बायोलॉजिकल सोर्स में हमें 3 चीजें लिखनी होती हैं। पहला कि हम प्लांट के किस पार्ट से ड्रग को कलेक्ट कर रहे हैं, दूसरा उसका बॉटेनिकल नेम क्या है, और तीसरा वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा प्लांट का पार्ट। तो यहाँ पर जो सिंकोना प्लांट की बार्क होती है, जो छाल होती है, उससे हम ड्रग को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लांट पार्ट हो जाता है हमारा सिंकोना बार्क। ठीक है, दूसरा इसका बॉटेनिकल नेम, तो इसकी 4 स्पीशीज पाई जाती है। पहला है हमारा सिंकोना कैलिसाया, दूसरा है सिंकोना ससीरुब्रा, तीसरा है हमारा सिंकोना ऑफिसिनेलिस और चौथा है सिंकोना लेटजेरियाना। ठीक है, आप इसको कुछ भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो ये 4 स्पीशीज हैं जिनसे हम एंटी मलेरियल ड्रग प्राप्त करते हैं, और ये बिलोंग करते हैं फैमिली रूबिएसी से। ठीक है, तो अगर हम कलेक्टिवली बोले कि इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो जाएगा, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना ससीरुब्रा, सिंकोना लेटजेरियाना एंड सिंकोना ऑफिसिनेलिस, व्हिच इज बिलोंग टू फैमिली रूबिएसी। ठीक है, तो इसका ये बायोलॉजिकल सोर्स हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके केमिकल्स के बारे में। तो जनरली इसमें 25 तरह के एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, और भी बहुत सारे एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, लेकिन जो मेनली हमारे होते हैं वो 25 एल्कलॉइड्स होते हैं, जिसमें से कुछ एल्कलॉइड्स हैं आपके सिंकोनिन, सिंकोनिडिन, क्यूनिन, क्यूनिडिन, क्यूनोलिन, और जो एल्कलॉइड्स हैं आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं आप देख सकते हैं उनको। ठीक है, तो ये बहुत सारे एल्कलॉइड्स को कंटेन करता है। अब हम बात करते हैं इसके यूज के बारे में। तो जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसका यूज हम एज अ एंटी मलेरियल ड्रग करते हैं, दूसरा इसका यूज है एज अ बीटा टोनिक एंड स्टोमेचिंग। बीटा टोनिक वो ड्रग्स होती हैं जो एपेटाइट को बढ़ाती हैं। ठीक है, तो ये एज अ बीटा टोनिक भी यूज किया जाता है, और स्टोमेचिंग जो पेट दर्द होता है उसमें भी ये रिलीफ पहुंचाता है हमें। ठीक है, तो इसके 3 यूज ये हो जाते हैं, और चौथा इसका यूज है एज अ एंटी एरिथमिक ड्रग। इसमें जो क्यूनिडीन केमिकल पाया जाता है हमारा, जो एल्कलॉइड क्यूनिडीन है, ये एज अ एंटी एरिथमिक ड्रग्स यूज किया जाता है। ठीक है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट द सिंकोना एंड एंटी मलेरियल ड्रग।